1921 ये पाकिस्तान की अब तक की बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म ये न्यूज आप लोगों तक पहुंची ही होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शकील आजमी साहब की। और मैं एक शेर की कहना चाहती हूँ कि नमक भरकर आपकी शायरी के लिए जो माहौल है, आप जो शेर कहते हैं, बस एक शेर उसकी भूमिका के लिए कि नमक भरकर मेरे जख्मों पे तुम क्या मुस्कुराते हो, नमक भरकर मेरे जख्मों पे तुम क्या मुस्कुराते हो, मेरे जख्मों को देखो मुस्कुराना इसको कहते हैं, मेरे जख्मों को देखो मुस्कुराना इसको कहते हैं। शकील आजमी साहब, आज का मुशायरा और इस मुशायरे की तामीर में बुनियाद का जो पत्थर है वो प्रदीप जी हैं, जिनकी किताब का आज इजरा हुआ है। बेशक ये मुशायरा उन्हीं के सिलसिले में हुआ है, उन्हीं के तुफेल में हुआ है। ये बात आज फिर से साबित हो गई कि फनकार कभी मरता नहीं है, और वो फनकार खुशनसीब होते हैं जिनकी औलादें इतनी लायक होती हैं। शशि रंजन, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। जब कैफी आदमी को कोई शबाना आजमी मिल जाती है तो कैफी आदमी का कद और बड़ा हो जाता है। इसी तरह शशि रंजन साहब अपने वालिद साहब को जिंदा किए हुए हैं और ये जिंदा रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि फनकार कभी मरता नहीं है। वो अपने फलसफों के जरिए, अपने तकनीक और अपने रुझान के जरिए लोगों में मुंतकिल हो जाता है, लोगों के जहनों में मुंतकिल हो जाता है, कभी मरता नहीं। मैं एक मतला गजल का खराज अकीदत के तौर पर प्रदीप जी के लिए पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। इसी गजल में खाद लफ्ज किस तरह से इस्तेमाल होता है, मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं, फिर फिरूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, मैं अच्छे ही शेर सुनाता हूँ। लेकिन आप यकीन जानिए शशि रंजन साहब ने और रोमी जाफरी साहब ने शराब का बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया है। मुशायरा खत्म होने के बाद आप खूब पीजिए, और अगर आप ज्यादा पी लेंगे तो घर तक छोड़ने का भी इंतजाम। जी तो मैं पढ़ रहा था कि मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा, फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। बार बार आऊं और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं, तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी, तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा। तेरे सीने में उतर आऊंगा। असल में क्या है, जिस तरह से सारी चीजों में आजकल मिलावट का दौर है, मिलावट तो शायरों में भी मिलावट पैदा हो गई है। स्टेज पर जितने शायर आप सुनते हैं सब शायर नहीं होते हैं। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। शेर सुन के बताइए कि अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा। देखिए मुकर्रर भी आता है, पढ़े लिखे लोगों की महफिल है, जाहिर है रूमी जाफरी साहब और शशि रंजन साहब की महफिल है। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना,
ورنہ خوشبو کی طرح آزاد ہو جاؤں گا. کچھ شعر اور پڑھتا ہوں کہ تو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے. تو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے, بجھ گئی یاد محبت کی دھواں باقی ہے. تو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے, بجھ گئی یاد محبت کی دھواں باقی ہے. شعر سن کے بتائیے, بجھ گئی یاد محبت کی دھواں باقی ہے. جس جگہ ہم نے کیلنڈر میں جدائی لکھی, ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے. جس جگہ ہم نے کیلنڈر میں جدائی لکھی, ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے. شعر ابھی باقی ہے اس میں, ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے. میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا, میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکان. میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکان باقی ہے. شعر سن کے بتائیے گا, جب تلک شہر میں پھولوں کی دکان باقی ہے. میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں, میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں, دل لگانے کو ابھی سارا جہاں.